ये ध्यान सूत्र है। इन मेडिटेशन वंस अपेरेंट लेथर्जी में बी जस्ट गैदरिंग ऑफ स्ट्रेंथ। ध्यान में जो व्यक्ति की जाहिर आलस्य की स्थिति है या कर्मण्यता की, वो शक्ति को इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया हो सकती है। सूत्र इस बात की ओर इशारा करता है कि बहुत जल्दी ध्यान में क्या घट रहा है इसके बारे में निर्णय ना लें, बहुत जजमेंटल ना हो, क्योंकि अगर ध्यान के बारे में बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेंगे तो ध्यान की जो रहस्यमय अभिव्यक्ति है वो रुक जाएगी। क्योंकि ध्यान से अगर हम ऐसा ही सब कुछ मान लेंगे जो हमको अच्छा लगता है तो कई बार वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। अब अगर हम इसको गहराई से देखें तो जीवन में सब चीज़ें एक प्रोसेस से गुजर रही, प्रक्रिया से गुजर रही। सूत्र कहता है कि अगर जो जाहिर तौर से आलस की भावना है या कुछ ना करने जैसी, जिसको लेथर्जी कह रहा है, अकर्मण्यता यानी कुछ करने जैसा नहीं लग रहा उसको, और अंदर से ये मांगे कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, वो अपने को शक्ति भी नहीं अनुभव कर पा रहा अपने भीतर, तो सूत्र कहता है ये शक्ति इकट्ठा करने का एक प्रोसेस भी हो सकता है, होता भी है। अब जैसे रात में विश्राम में गए हम, तो विश्राम में गए तो फिर उस समय तो तंद्रा में गए, पूरी तरह से लेथर्जी में ही गए, लेकिन उसी से निकलकर फिर हम तरोताज़ा होते हैं, जागते हैं और तमाम काम करते हैं, तो उसका भी स्वागत करना चाहिए, उस तंद्रा का, उस आलस का। जब जो जरूरी हो वो घटना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह से अगर इस बात को हम और विस्तार से देखेंगे और इसको हम एक्सपेंड करके देखेंगे तो तमाम ऐसी चीज़ें, तुम ध्यान में गए तुम उदास हो गए, लेकिन सुना तो ये होता है कि ध्यान में प्रसन्नता घटनी चाहिए, आ गई उदासी, लेकिन ये उदासी भी प्रोसेस हो सकती है जो किसी और गहरी प्रसन्नता को लाने वाली हो। ध्यान में तुम गए, खिन्नता ने तुमको पकड़ लिया, हो सकता है अब ये तुमको और आगे ले जाने का एक प्रोसेस हो। तो ये जो सारा घटनाक्रम है इससे हमको यही समझना और सीखना चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करनी। हम ध्यान में जा रहे हैं, उसकी हमारे अंदर एक तड़प है, हमारे अंदर एक संकल्प है, निष्ठा है, इतना काफ़ी है। फिर जो भी घटता है उसको पूरे स्वीकार से देखना है, पूरी समझ से देखना है। रूपांतरण तभी होगा और प्रामाणिकता से होगा ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम कोई निर्णय नहीं देंगे। आमतौर से लोग इसीलिए विचलित होते हैं क्योंकि वो स्वयं और उनके आसपास के लोग, पूरा समाज इसी तरह से जजमेंटल है। अच्छा, तुम ध्यान में गए तो तुम उदास क्यों हो, ध्यान में गए तो तुम इस तरह के क्यों हो, तुम उस तरह के क्यों हो, होता है। जीवन में एक ही ध्रुव से काम नहीं होता, दोनों ध्रुवों से यात्रा चलती है। ध्यान की जो प्रक्रिया है वो हमको हर मोड़ से गुजारते हुए आगे ले जाती है। तो ये मोमेंटम इकट्ठा होना या ऊर्जा इकट्ठा होना भी एक अपना रहस्यमय ढंग है, उसको समझना चाहिए। यहाँ तक कि कभी कभी ध्यान घटने पर लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी हो जाते हैं, और ये अस्वास्थ्य किसी और गहरे स्वास्थ्य को लाने की प्रक्रिया होता है, यानी कि वो परत टूटेगी जो हमारे अंदर पड़ी थी और अंदर से और गहरा स्वास्थ्य आएगा। जैसे हम कोई कुआं खोदते हैं, तो ध्यान इसी तरह से अपने अंदर की गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। तो कुआं खोदते हैं
तो कभी कंकड़ पत्थर निकलते हैं, पहले गंदा पानी निकलता है, फिर स्वच्छ पानी के स्रोत आते हैं। तो कंकड़ों पत्थरों का निकलना, गंदे पानी का निकलना प्रोसेस, ये नहीं कि पहली बार में अगर हाथ में गंदा पानी आ गया तो हम उसी को लेकर बैठ जाएं कि लो इतनी खुदाई करी, इतनी मेहनत करी, हाथ में आया गंदा पानी। धैर्य के साथ और आगे चलें, फिर स्वच्छ पानी के स्रोत भी सामने आएंगे। तो जब तंद्रा पकड़े, हमको आलस पकड़े, घबराए नहीं, उदासी पकड़े, विचलित ना हो, कोई भी नकारात्मक भाव दशा पकड़े, विचलित ना हो, जल्दी से कोई निर्णय ना लें। हो सकता है ये किसी आगे और गहरे प्रोसेस में, प्रक्रिया में ले जाने का एक ढंग हो, जो कि हमेशा होता ही है। इसलिए ठहरे रहें, अस्तित्व में आस्था रखें और चलते रहें। Thank you.